हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्काई व्लॉग्स। तो आज हमारा टारगेट, जिसके लिए बहुत दिन हो गए हम उसके लिए रोज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, 70-70 किलोमीटर, हम 70-70 किलोमीटर गए अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। और आज जिसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे थे वो चीज़ है, और रात के अभी कितने बज रहे हैं, अभी 10:30, 9:30 बजने वाले हैं। और अब हम निकल रहे हैं अपने गाँव के लिए, वो भी किस चीज़ पर, भाई साइकिल पे, मैं स्केट्स पे। कितने किलोमीटर भाई साहब, पूरे पूरे 200 किलोमीटर के लिए हम निकल रहे हैं अब। 200 किलोमीटर पूरे यहाँ से, हम हरियाणा में इस टाइम गुरुग्राम में, और वो जाके है यूपी में। यूपी में जाके बुलंदशहर एक जिला है, वहाँ पे जाके हमें उससे भी थोड़ा और आगे जाना है, 50 किलोमीटर। तो चलो गाइस, अभी तो मैंने अपना देखो, मैंने गार्फ वगैरह पहने और सस्ता जुगाड़, मैंने अपने लिए हेलमेट देख लिया था ऑनलाइन अमेजोन पर, लेकिन वो उसकी डिलीवरी हो ही नहीं पा रही, पता नहीं क्या हो गया, उसकी डिलीवरी लेट हो गई थी, कल की डिलीवरी थी लेकिन हो ही नहीं पाई है, फिर मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। तो भाई अब रास्ते में रात में निकल रहे हैं, तो फिर कुछ तो जुगाड़ होना था, टेप लगा के डबल साइड टेप से टॉर्च चिपका लिए, ऑन कर दो बस, देखो इस तरह से पहनूंगा और कहीं भी मारूंगा एकदम क्लीन दिखेगा, ये कहते हैं सस्ता जुगाड़। चलो भाई फिर निकलते हैं, हमने अपने लिए बहुत सारी चीज़ें भी मंगा लिए हैं, क्योंकि हमें रास्ते में भूख लग जाएगी, तो वो सब रख लिए हैं और मस्त चलेंगे एकदम आराम से। मम्मी पापा बाइक पे होंगे लेकिन वो आगे पीछे चलते रहेंगे, क्योंकि हम तो मेन हाईवे पे हैं, हम दोनों साथ रहेंगे बस। तो चलो गाइस चलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं 200 किलोमीटर। मैंने अपने स्केट्स पहन लिए हैं, गार्ड से एकदम रेडी है, सेफ्टी इज मस्ट, और मेरा ये देसी जुगाड़ वाला हेलमेट, इसे कैसे भूल सकता हूँ, इसे भी पहनना बहुत ज़रूरी है, और इसे मैं ऐसे ऑन कर सकता हूँ जब चाहूँ, और इसे ऑन कर ही लूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है भाई। चलो फिर हमारी लगभग लगभग 200 किलोमीटर की जर्नी अब यहाँ से स्टार्ट होती है, वो भी सिर्फ हमें सुबह लगभग 8-9 बजे तक पहुँचना है, अभी 9 बज रहे हैं, लंबा रास्ता है, धीमे ज़्यादा तेज नहीं जाएंगे क्योंकि दिक्कत भी हो सकती है, तो चलो चलते हैं। सो गाइस, हम बीबीडी के पास पहुंच चुके हैं, और अभी मैं साइकिल के पीछे खड़ा हूँ, नीरज जी साइकिल मतलब चला रहे हैं, और देखो, और जो हमारा आज का टारगेट है ना, आज तक का सबसे बड़ा टारगेट। तो गाइस इस टाइम पे हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, हमें एयरपोर्ट आने में इस बार सबसे कम टाइम लगा है, अराउंड हम 1 आवर के अंदर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, और 25 किलोमीटर का अराउंड एयरपोर्ट हमारे घर से रहता है। और एयरपोर्ट देखो, इस साइड में पूरा एयरपोर्ट है ये, और हम पिछली बार आए थे बहुत छोटा जा छोटा वाला कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ जो भी, देखो वो इस साइड में है, बोरा दिख रहा हो तो थोड़ा बहुत, ये रहा। सर अभी थोड़ा कुछ पानी वानी पीने के लिए रुके थे, हम डायरेक्ट यहाँ पे आके पहला स्टॉप लिया है हमने, देखते हैं कितने स्टॉप लेते हैं आगे।
गाइस हम इस टाइम पे आ चुके हैं सराय काले खां। देखो ये रहे बिना यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है। गाइज इस टाइम पे हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार के पास। अब हम यमुना जी क्रॉस करने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। देखो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, यमुना जी देखो सामने आ गई हैं और मैप में लगा रखा है यहाँ पे। और नीरज भैया साइकिल से पीछे आ रहे हैं। अब मैं थोड़ी देर बाइक पर बैठ गया था और चल रहे हैं अब हम। और बिन्ने वहाँ से कंटिन्यू स्केटिंग करता हुआ आया है। बस बीच में एक बार हमने एयरपोर्ट पे स्टॉप लिया था और बीच में बस 5-5 मिनट के दो स्टॉप लिए हैं अब तक हमने, और 60 या 70 किलोमीटर अराउंड हमने ट्रैवल कर लिया होगा। सो गाइस टाइम हो रहा है रात नाइट के 11 o'clock और हम अब चलते जा रहे हैं। पापा मम्मी पता नहीं पीछे रुक गए हैं किसी को। सो गाइस हम अपनी डेस्टिनेशन से 50 किलोमीटर पीछे हैं और ये रहा मैं और ये रहे सब लोग, ये रहा नीरज भैया और मतलब मैं साइकिल पे, विनय स्केट्स पे और 3 लोग बाइक पे ऐसे आ रहे थे आज हम। और हम ये पहुँच चुके हैं सिकंदराबाद वाटर पार्क के पास। देखो दिखाता हूँ आपको, देखो यह वाटर पार्क है, ये क्लीन नहीं हो रहा, ये वाटर पार्क दिख रहा है यहाँ पे मुझे। सो गाइस जो ये टारगेट था 200 किलोमीटर का गया और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 4:20 अराउंड हो रहे हैं। और देखो मैंने अभी सो गाइज हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के बहुत ज़्यादा पास और बिना बाइक के साथ फुल रेस स्पीड लगा रहा है। और ये डॉगी से डर गया, इतना बड़ा होगा डॉगी से डर रहा है। डॉगी बहुत देर तक तो सोचते रहते क्या चला गया। और नीरज ये जा रहे हैं साइकिल से, बिना स्केट से, हमने साइकिल बीच बीच में एक्सचेंज करते रहे थे कोई थक ना जाए मतलब, और थोड़ी बहुत देर उसमें रेस्ट किया था। और देखो ये रहा मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओ भैया बच गए। सो गाइस हम इस टाइम पे आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के बहुत पास, ये मैं बहुत देर से कह रहा हूँ। और देखो सनराइज हो चुका है और जो विनय और सब लोग थे वो अभी मेरे से आगे जा चुके हैं और मैं साइकिल पता इसलिए धीरे धीरे जा रहा हूँ मैं तो आगे, वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। बताओ विनय इतनी देर से स्केटिंग कर रहा है वो थका नहीं अब तक, और मैं थक गया साइकिलिंग करते करते। और थोड़ी तो भी मतलब बीच में नीरज भैया ने भी साइकिल चलाई थी और लेकिन स्केट तो किसी ने नहीं चलाया, बिना अकेला चला रहा था और मैं साइकिल चल रहा हूँ और एक हाथ से ब्लॉक कर रहा हूँ। सो गाइस चलते हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं अब अपने डेस्टिनेशन से थोड़ा सा पहले क्या, अब 15 किलोमीटर अराउंड रह रहा है। और देखो नीरज भैया का वेट कर रहे हैं, उन्होंने अब साइकिल ले ली थी मेरे से चलाने के लिए और उनका वेट कर रहे हैं, पता नहीं वो कितनी देर में आएंगे ये पता ही नहीं है। और देखो ये बना बैठा ये रहा। सो गाइस हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और अब हम आ रहे थे और हमें यहाँ पे मिला है स्विमिंग पूल। देखो ये रहा स्विमिंग पूल, पूरा स्विमिंग पूल है और हम यहाँ पे नहाने की प्लानिंग कर रहे हैं आराम से स्विमिंग पूल में नहा के अपने गांव जाएंगे। और हम नीरज भैया का वेट कर रहे हैं
देखो गाइस, देखो ये बाबा हमारे स्केट्स देख रहे हैं, इन्हें हमने स्केट्स दिखाए तो बाबा हमारे स्केट्स देख रहे हैं। और ये रहा हमारा आज का मतलब, हमारा घर यहाँ से बहुत पास है, बिल्कुल पास में ही आ गया घर अपना, इस साइड अपना घर है। इधर नीरज जी, हम नीरज जी का वेट कर रहे हैं और वो आ रहे हैं। और यहाँ पे स्विमिंग पूल है, ये रहा अपना स्विमिंग पूल। और देखो एक बड़ा वाला स्विमिंग पूल ये रहा, लेकिन इसमें पानी नहीं है, हमारे लिए वेरी सैड न्यूज़। और नीरज जी आ रहे हैं क्या? मेरे को दिख तो रहे नहीं है, लेकिन दिख रहे हल्का हल्का दिख रहे हैं। ओहो क्या स्पीड है। हम यहाँ पे नहाएंगे और ये डॉगी है, गजब बेइज्जती है। सो गाइज, हम स्विमिंग पूल से नहा धोकर एकदम रेडी होकर आ चुके हैं। काफी मजा आया, स्विमिंग पूल की ज्यादा वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि जैसे हम स्विमिंग पूल में गए, थोड़ी देर बाद ही पता नहीं यहाँ के कोई विधायक पता नहीं कौन आ गया वहाँ पे, तो फिर हम आ गए वहाँ से, अपने आप ही आ गए। इसीलिए अब चलते अपने गांव। और अब विनय ने अपने नॉर्मल अपने घर वाले कपड़े डाल लिए हैं, अब चलते हैं गांव, डायरेक्ट चलेंगे। सो गाइस, हम इस टाइम पर अपने गाँव पर आ चुके हैं। और जब हम आए थे तो थक गए थे, हमने एक दो घंटे आराम से रिलैक्स करके खाना पीना खा करके अब हम यहाँ पे आए हैं। देखो ये मेन गेट है, और मैं आपको इस घर का टूर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगली वीडियो में इस घर का पूरा टूर देख लेना, क्योंकि गांव बार बार थोड़ी आने का मौका मिलता है। चलो गुड़गांव तो हम जहाँ गुड़गांव रहते हैं वहाँ तो हम कभी भी बना सकते हैं, मतलब होम टूर करके। और सो अगर आपको आज का हमारा ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो, और इतना ज़्यादा ट्रैवल कराया आज हमने, 1 किलोमीटर 9 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना कोई मजाक बात नहीं है, वो भी स्केट्स पे और साइकिल पे, कोई भी अच्छा अच्छा आदमी नहीं, कोई बड़ा आदमी भी नहीं कर सकता इस काम को। सो गाइस, अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। सो गाइस, मिलते एकदम फ्रेश मज़ेदार और न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।